पहले तो मैंने रिक्वेस्ट डाली है प्राइम मिनिस्टर सर को कि आप हमसे हम मिलने का टाइम दिया जाए कि हम उनसे मिलें। मेरा सारा ज्वेलरी था, मेरी शादी में मुझे मिला था, मेरे घर से मिला था, मेरे फादर इन लॉ ने अच्छा अच्छा दिया था सब कुछ। हमारा जितना भी सामान चोरी हुआ सारा मिलना चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि भी बहू बेटी हैं सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित, रोडों पे चलते सुरक्षित। सर हम 17D द्वारका से आए हैं, हमारे सर तीन साढ़े तीन सचिन नाम है, 3.5 महीने से सर हमारे यहाँ 45 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई थी घर से, बट अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है और इसके लिए हमें जंतर मंतर पे आना पड़ा। हम DCP सर, कमिश्नर सर, जॉइंट CP, SHO, ACP, इंस्पेक्टर, IO सबसे कई बार मिल चुके हैं, बट इस केस में अभी तक कोई भी इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर सर से, और ये 1 मार्च की घटना है सर, 29 तारीख को हम गाँव गए थे तो रात को 1 तारीख को चोरी हो गई थी सर, और प्रॉपर एक ही कर रखी थी हमारी, हम 15 साल से सोसाइटी में रह रहे हैं, और उसके बाद क्या है कि जो भी लेबर थी रेवा की वो काम कर रही थी वहाँ पे। उसके बाद हमने पुलिस को सारे क्लू दे दिए हैं बट अभी तक कोई भी एक्शन नहीं। FIR उसी दिन करवाई थी 1 तारीख को, वो भी रात को हुई थी, नेक्स्ट डे मिली थी मेरे को। ये जो आप दिल्ली में रहते हैं, लोग कहते हैं कि जो सरकार है वो कहते हैं कि यहाँ CCTV का पूरा पहरा रहता है, तो वो क्या कैमरे में कैद नहीं हुआ वो सर? जो सोसाइटी में जो कैमरे थे वो तो हमने उनको दे दी थी वीडियो, ठीक है सर, और सोसाइटी के बाहर तो दिल्ली पुलिस के कैमरे हैं, वो तो सर उनका काम है चेक करना। अब सर मैं द्वारका में रहता हूँ, अगर कोई चोर आएगा, चोर करके सीधा भागेगा, सीधा चोरी, उसको कैमरे नहीं देखेगा, तो अगर मैं द्वारका में रहता हूँ या तो नजरगढ़ जाएगा या गुड़गांव जाएगा या उत्तम नगर जाएगा या दावड़ी जाएगा या द्वारका मुड़ जाएगा, 5 डायरेक्शन है मेरे घर से। आप सर ये बताओ, एक कैमरे में नहीं दिखा दूसरे कैमरे में दिख सकता है? पुलिस करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है सर, अब इन्होंने कैमरे में देखा नहीं देखा वो तो ये जानते हैं। पुलिस कह रही है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बस सर यही 3 महीने से चल रहा है। कई बार मैं विजिट कर चुका हूँ, सब जगह मैं लेटर डाल चुका हूँ, बहुत जगह मतलब कई मतलब इतने 3 महीने से मैं इनके पीछे ही भाग रहा हूँ, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सर मेरा था, मेरी वाइफ की ज्वेलरी थी, मेरी थी, मेरी मम्मी की थी, मेरे फादर की थी, अप्रोक्स सारा मिला के 45 लाख के आसपास पड़ रहा है सर हमें। मेरी छोटी सी गुड़िया का भी एक पायल था, वो भी नहीं छोड़ा उन्होंने सर। और सर चोर इतने एक्सपर्ट थे, हमने एक तिजोरी बना रखी है, तिजोरी भी लोहे की थी, इतनी मोटी की तोड़ नहीं सकता कोई, छोटा मोटा चोर तो उसको तोड़ ही नहीं सकता, वो किसी एक्सपर्ट को लेके आए थे और प्रॉपर रेकी कर रखी थी, और सोसाइटी वाली लेबर हमने पुलिस को सब बता रखा है, भी सब मिले हुए थे यहाँ पे, बट इंटेरोगेट करना तो काम पुलिस का है, हमारा काम नहीं है सर, हम उनसे क्यों झगड़ा मोल लें? आपको किस पे शक आ रहा है? जैसे आप देखे होंगे कोई तो होगा आसपास में जिस पे आपको सर? एक तो जो रेवा की लेबर थी और जो मेरे घर में जिसने काम किया है वो मनोज की लेबर थी, मैंने दोनों का नाम लिखवा रखा है, पर मनोज की लेबर का काम 25 तारीख को ख़त्म हो गया था, बट जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन रेवा की लेबर काम कर रही थी, ठीक है सर। और इन्होंने मेरे से और चीज़ें जो जो नंबर मांगे थे, जो उस बिल्डिंग में जोमेटो वाले भी आते हैं, मैंने वो भी नंबर इनको निकाल के दिए हैं, और हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, DDA में 4 ही फ्लोर हैं, टॉप फ्लोर के ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, ठीक है, मेरे राइट में कोई रहता नहीं था, एक मेरे बगल में एक फैमिली रहती है, ठीक है। अब वो जो चोर हैं वो पूरा जाली काट के हमारे ही घर में घूम फिर के आए हैं, सारी जगह छोड़ के, हम बिल्कुल बीच में रहते हैं, कोने वाले फ्लैट 4th मंजिल में, तो प्रॉपर रेकी कर रखी थी उन्होंने, प्रॉपर रेकी से ही काम हुआ है। कैश था सर, वो तो था 1 लाख के आसपास, तो वो तो क्या है सर, हमें ज्वेलरी मिल जाए हम तो उसी में, क्योंकि मेरी मम्मी पापा की निशानी है, ऐसे तो सर मैं जाने नहीं दूंगा। दूसरी चीज़, काफ़ी रिक्वेस्ट उनको मैंने कर ली है सर प्राइम मिनिस्टर। सर पहले तो मैंने रिक्वेस्ट डाली है प्राइम मिनिस्टर सर को कि आप हमसे हम मिलने का टाइम दिया जाए कि हम उनसे मिलें। होम मिनिस्टर सर हैं, उनको भी हमने बोला है कि हमें आप मिलने का टाइम दो, इस केस को रिजॉल्व कराओ, ठीक है। मैंने तो कई बार रिक्वेस्ट भी करी है कि आप इसको रिजॉल्व करो, DCP सर को भी करिए, जन सुनवाई में कमिश्नर सर के यहाँ जन सुनवाई होती है, वहाँ भी गया हूँ मैं, जॉइंट CP सर के यहाँ भी गया हूँ मैं, ठीक है सर। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कैमरे हो गए, रिकॉर्डिंग हो गया, आपका डंप डाटा हो गया, इतनी चीज़ें हैं कि पुलिस तो चाहे तो कहीं से भी पताल से भी ले आती है लोगों को ढूंढ के, तो यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं सर? 3-3 टीम है थाने की, पुलिस थाने की टीम है, ATS टीम है, क्राइम की टीम अलग है, उसके बाद एंटी बगलरी टीम है, जो चोरों की सिर्फ उनका काम चोरों को पकड़ना है। अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे हो तो सर उसे मैं किसके पास जाऊंगा फिर? प्राइम मिनिस्टर सर के पास ही जाऊंगा मैं। सचिन की वाइफ। और सर मेरा सारा ज्वेलरी था, मेरी शादी में मुझे मिला था, मेरे घर से मिला था, मेरे फादर इन लॉ ने अच्छा अच्छा दिया था सब कुछ, वो उसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, यानी कि मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ हमारे केस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, पुलिस अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो प्लीज़ उन्हें भी मतलब करना चाहिए। देखो एक आम आदमी के पास पूरी ज़िंदगी लग जाती है इतना सब कुछ बनाने में, और वो एक झटके में 1 मिनट में चला गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें ही पड़ रहा है उसका फ़र्क। सुशीला।
नाम आपका क्या होगा? सुशील। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमारा जितना भी सामान चोरी हुआ सारा मिलना चाहिए। इनके पापा का सोने का कड़ा था, उनके मरने के बाद ऐसा क्यों हुआ मेरे घर में, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बस यही, बस मेरा सामान मिलना चाहिए। मेरा नाम राम सिंह है, मेरा नाम राम सिंह है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और ये मेरी बेटी है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ है, कितनी भी है, किसी बड़े नेता की गुम हो जाती है, कोई भी छोटी सी चीज़ गुम हो जाती है, वो 24 घंटे के बीच में दरामद हो जाती है। और एक गरीब परिवार की इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद शायद बड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, पर गरीब आदमी के लिए तो ये इतनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है कि वो कमा ही नहीं सकते इतना। और फिर ये कहते हैं कि भी बहू बेटियाँ सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित, रोडों पे चलते सुरक्षित। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भी रोडों पे चलते हुए हमारी बहू बेटियाँ कैसे सुरक्षित बोल रहे हैं कि जब हमारे घर ही सुरक्षित नहीं है, जहाँ पे हम पूरा उससे रखते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम SHO से लेके ACP, DCP, ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस सब में घूम चुके हैं और लास्ट में हमें ये कदम उठाना पड़ा। कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह जी, क्या क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी दिल्ली में चोर नहीं पकड़े जा रहा, जगह जगह थाने हैं, जितनी सिक्योरिटी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जितनी यहाँ दिल्ली में। उसके बाद भी चोरी नहीं पकड़ी जा रही, तो लानत है पुलिस को। कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, हमारी तो प्रशासन से ये मांग है जी, जो इनके घर पे रोबरी हुई है, डकैती है, उसकी इंक्वायरी करके जो इनका नुकसान हुआ वो पूरा किया जाए और मुजरिमों को पकड़ा जाए। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं इसके मामे का लड़का हूँ। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही, तो कहाँ गई पुलिस? दिल्ली में इतना बड़ा मतलब पुलिस का प्रशासन है, सब कुछ है, प्रधानमंत्री है इतना, हाँ, फिर भी कुछ नहीं कर रही। दिल्ली जैसे हाईटेक शहर में यह हाल है सर। हाँ, तो बाहर क्या होगा? कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, ये जो 45 लाख की रोबरी हुई है वो कृपा करके इसको केस को जो है जल्दी से जल्दी सुझाएं और इन पीड़ित व्यक्तियों को जो है इनकी दोबारे से जो है जो ज्वेलरी वापस दिलवाई जाए, यही मेरी PM से प्रार्थना है। ये जनता मतलब आए हैं आज, अगर आपकी मांग हिसाब से आप बोल रहे हैं पूरी नहीं की जाती, पुलिस ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती, तो आपके क्या करने वाले हैं? सर दोबारा धरना देंगे सर, हम 1 महीने बाद दोबारा धरना देंगे, प्राइम मिनिस्टर को दोबारा रिक्वेस्ट डालेंगे, ठीक है सर, हर जगह दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे सर, जो एक आम आदमी कर सकता है हम वो दोबारा करेंगे। मैंने इनसे कोई, मेरा कोई पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि ये पुलिस गलत है, आप जब और केस सॉल्व कर सकते हो तो ये क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। दिल्ली पुलिस इतनी बड़ी पुलिस है, जो पता नहीं इन्होंने इतने इतने अच्छे काम किए, मैं ये भी जानता हूँ पुलिस करना चाहे तो कहीं से भी कर देगी, बट ये क्यों नहीं कर रहे हैं सर मैं वही जानना चाह रहा हूँ। इतना डिले तो सर कैसे हो ही नहीं सकता, वो भी दिल्ली जैसे शहर में सर, हम सेंटर में रहते हैं दिल्ली के, और बताओ तब भी इतनी बड़ी चोरी हो रही है सर।